हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइंस में। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन, जिसे हम डोरी लूप्स और पिंटक्स के साथ रेडी करेंगे। तो ये जो डिजाइन है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुली रेडी होने वाला है, तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसमें पिंटक्स डालनी है। ये मेरी नैरो प्लाजो पैंट है और पिंटक्स ये देखिए मैंने कट लगाया हुआ है ना, लगभग 2 इंच छोड़ के मैंने यहाँ ऊपर कट लगाया है दोनों तरफ। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ पिंटेक्स डालेंगे, नीचे नहीं डालनी है। 2 इंच छोड़ के आप पिंटेक्स ऊपर की तरफ डालें। और पिंटेक्स के लिए आप अपना जो फैब्रिक है वो लगभग 2 इंच ज्यादा लें पैंट से, जितनी आपकी लेंथ है उससे 2 इंच ज्यादा ले लें। तो ऐसे देखिए मैंने पैंट की उल्टी साइड ले ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो हमने कट लगाया है ना इधर वाले कट तक, हमने इसको ऐसे सीधा सीधा फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे पिंटेक्स की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं जो पिंटेक्स दे रही हूँ किनारी की सिलाई की नहीं, एक पैर की दूंगी। तो यहाँ हमें एक एक पैर की पिंटेक्स देनी है और बिल्कुल सीधी आनी चाहिए आपकी ये सिलाई। तो ये देखिए एक पिंटेक्स हमारी लग चुकी है। अब हमने दूसरी डालनी है, तो दूसरी हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए, जितना भी आपने पिंटेक्स में गैप देना उसके अकॉर्डिंग दे लें। मैं लगभग 1.5 से 1.25 इंच का गैप दे रही हूँ पिंटेक्स में, और यहाँ पे भी मैं एक पैर की सिलाई लगा दूंगी। तो ऐसे देखिए ये 2 पिंटेक्स हमारी लग चुकी है। मैंने ऐसे ही 5 पिंटेक्स लगानी है, तो सेम गैप पे मैं एक और लगा लूंगी, फिर इससे आगे एक और, इसी तरीके से मैं 5 पिंटेक्स लगा लूंगी। तो 2 इंच के करीब हमारा जो फैब्रिक है वो पिंटेक्स में दब जाता है, इसलिए मैंने 2 इंच ज्यादा लिया है फैब्रिक, आप भी ज्यादा ही लें। तो ये देखिए ऐसे मैंने 5 पिंटेक्स डाल दी हैं और मैंने इनको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। तो अब हमने डोरी लूप स्टिच करने हैं। तो ये देखिए मैंने डोरी पहले से ही बना के रखी हुई है, अब हम इसके लूप्स कट कर लेते हैं। तो ऐसे मैं 2.5 इंच के लूप्स कट कर लूंगी, तो इसके ऐसे 2.5 इंच के पीसेस हम कट कर लेंगे। तो इस पैंट में मैंने फोल्डिंग का मार्जिन नहीं लिया है, फोल्डिंग मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कैसे करनी है हमने। तो पहले हम लूप स्टिच कर लेते हैं। तो लूप हम यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिलाई में दब जाता है इसलिए। तो यहाँ ऐसे हमने सीधी वाली साइड पे इस तरीके से लूप रखना है, ऐसे लूप बनाते हुए डोरी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और मैं यहाँ पे थोड़े लूज लूज ही लूप लगा रही हूँ, आप चाहो तो पूरे इस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ थोड़े थोड़े लूज लूज ही लगा रही हूँ। तो ऐसे ही इसके साथ ही हम अपना दूसरा लूप रख देंगे। तो आप चाहो तो लूप में गैप भी ले सकते हो, लेकिन मैं कोई गैप नहीं दे रही हूँ, मैं बिल्कुल साथ साथ लूप लगा रही हूँ, लेकिन थोड़े लूज लूज लगा रही हूँ ऐसे खुले खुले। देखिए ऐसे हमारे सारे ये लूप स्टिच हो चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसमें फोल्डिंग का मार्जिन नहीं है, तो फोल्डिंग के लिए ऐसे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, और लंबी तो आप अपनी पैंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इसके ऊपर रख के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसको, ये जो सिलाई हमने लगानी है हम इस तरफ से लगाएंगे, उल्टी वाली साइड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हमें वो सिलाई दिखाई देगी जो हमने लूप्स को स्टिच करते हुए लगाई है, और उस सिलाई को आप दबाते हुए ही ये सिलाई लगाएं। तो ऐसे फोल्डिंग एक्स्ट्रा लगाने से हमारे ये लूप्स भी गुम हो जाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग भी आएगी हमारे पैंट में। तो ऐसे ये वाली सिलाई लग चुकी है। अब हमने ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने कपड़ा लिया है फोल्डिंग का, इसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और लूप्स भी हमारे ऐसे आ जाएंगे। अब हमने ये वाले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे किनारी की। और ये सिलाई लगाते हुए आप ये ध्यान में रखें, आपकी ये पिंटेक्स नहीं दबनी चाहिए, इससे नीचे नीचे ही आप ये सिलाई लगाएं। ये देखिए ऐसे हमने सिलाई लगा ली है, और देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अभी मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ।
तो ये देखिए आगे से भी हमारी ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब आप इसको फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरी ये नैरो प्लाजो पैंट है इसलिए इस पे जो फिटिंग की सिलाई है वो कम ही लगेगी, तो मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लगाना चाहो उतने पे लगा सकते हो। तो पहनने के बाद हमारी ये पैंट ऐसे आ जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।